हेलो गाइस, व्हाट्सअप। तो इसके साथ ही नया सीज़न आ चुका है, C1S2। तो सबसे पहले देखते हैं ये पहले पुराना वाला एक इमोट, पिछले सीज़न वाला। इसके बाद चलते हैं सीधा सीज़न में। और ये एनिमेशन वैसे ही है। और ये देखें, इसका हेडफोन है। और ये चीज़ें मुझे अभी कलेक्ट करनी है। सबसे पहले कलेक्ट कर लेते हैं सेटिस्फेक्शन के लिए। और अब सीधे चलते हैं गोल्ड। मैं डायमंड, पिछली बार डायमंड में पहुंच गया था। और डायमंड में पहुंचने के बाद मुझे ये सूट मिला था जो मैंने अभी पहना हुआ भी है। लेकिन आप देखें, 2 टीयर पीछे आ चुका हूं मैं गोल्ड में। अब दोबारा से ही गोल्ड 2 से शुरू होगा सब। कोई बात नहीं, कर लेंगे। इस बार मैंने क्राउन में जाने का सोचा था, वहीं से गेम शुरू होगी। लेकिन अब ये टीयर मेरा पीछे हो गया। चलो कोई बात। तो ये वाली टोपी है, आइसक्रीम का वो लग रहा है कौन, आइसक्रीम के ऊपर वाला हिस्सा लग रहा है, इसके ऊपर चॉकलेट है। और ये तो सिल्वर में मिल जाएगी आपको। ये टोपी है, हाँ, हैट लिखा हुआ है, C1S2 हैट। इसका नाम है रीच। अच्छा, इस सिल्वर टीयर पे रीच करने पे मिल जाएगी आपको। और ये है असली माल, गोल्ड के कपड़े। तो ये देख लेते हैं पहले। यहाँ पे ये है, ये कोई स्प्रे मारने वाला, कोई मच्छर मारने वाला बंदे के कुछ यूनिफॉर्म सा लग रहा है। और यहाँ से शेफ ने जो पहना होता है वो, पता नहीं वो क्या होता है, वो लग रहा है। और ये कैचअप की बोतलें साइड पर ऐसा लग रहा है डाली हुई हैं। और ये शैम्पू की बोतल, और ये घुटनों पे सेफ्टी लगी हुई है। और ये इस तरह का कुछ नया इस बार किया है इन्होंने। और ये इसी के साथ ये वाली टोपी भी है, ये जो ऑक्सीजन, अगर आपका एलियन का हमला हो जाए तो उनकी जो गैस होती है ग्रीन ग्रीन गैस, उससे बचने के लिए। और ये वाली स्किन आ चुकी है ग्रोजा की, बड़ी ज़बरदस्त सी। ये डायमंड पे पहुंचने पे मिलेगी हमें। डायमंड में पहुंचने के बाद 5 मैचेस खेलने पड़ेंगे, तो ये वाली मिल जाएगी। तो ये देखते हैं, ये काफ़ी अच्छी सी है, ज़बरदस्त सी। मेरे पास ग्रोजा की नहीं थी स्किन, तो चलो आ गई है। अब चलते हैं आरपी की तरफ। बाकी के ये है पैराशूट कौन से वाले में था, इस वाले में, एस में मिलता है पैराशूट। तो ये देखो, पैराशूट पे भी यही बना हुआ है हेलमेट सा। काफ़ी यूनिक सी, ज़बरदस्त सी इस बार चीज़ बनाई है। अब चलते हैं सिर्फ सीधे आरपी रह गई है, तो आरपी के मिशंस भी आ चुके हैं, वो भी चेक करते हैं। और ये है आरपी का जो है यूसी वाला सूट, पैसे वाला, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त है। इसमें इस बार थोड़ा थोड़ा ग्रीन ग्रीन कुछ ऐड किया है टेक्सचर सा। पहले पर्पल ब्लू और सियान कलर यूज़ होता था, अब सियान ये देखो यहाँ पे है। और इसका ये फ्रेंच फ्राइज का डब्बे की तरह इसकी वो बना दिया है इन्होंने मुंडी। और अब फ्री वाले की तरफ अगर चलें, तो यहाँ पे फ्री वाला का जो है 13 पे मिल रहा है ये पैराशूट स्किन, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त है। और ये वाला जो है ना इमोट, देसी डुमकों वाला इमोट, ये काफ़ी ज़बरदस्त है, ये लेना पड़ेगा जल्दी जल्दी। फर्स्ट वीक के मिशन आ चुके हैं, वो करने के बाद देखते हैं हमारी आरपी कितनी होती है और क्या क्या मिशन है अगली वीडियो में, देखते हैं। और ये है जहाज़ की स्किन, काफ़ी वो जो कार्टून से होते थे हम बचपन में देखते थे, उसके कलर्स, वो जो एक कलर से होते हैं ना, वो उस तरह के। और ये पैंट 25 वाला ये जो सूट है, इस बार टाइगर का 3 पीस सूट, टाइगर नहीं लेपर्ड सूट है आउटफिट, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त है, ये भी लेंगे। और यहाँ पे एक स्किन होती है 35 पे, ये इस बार ओम की स्किन आई है, और ये इस कलर से काफ़ी मैच हो रही है आउटफिट के, तो ये भी हम देखते हैं इस बार। पिछली बार हम 41 आरपी पे गए थे, तो ये हमें सब मिल गया था, सारी स्किन्स वगैरह, तो इस बार देखते हैं। और ये आरपी सूट के साथ
ये गन की स्किन भी है, और आगे देखते हैं क्या है। पैराशूट यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, और ये एक और सूट, दो सूट मिल रहे हैं इस बार आरपी में, एक ये वाला, एक वो जो शुरू में हमने देखा था, और ये इसकी टोपी है, टोपी या हेलमेट जो भी। इसके सर पे बालों की टाइप फ्रेंच जगह फ्रेंच फ्राइज हैं। C1S1 का ये वाला सूट था, और ये वाली गन की स्किन थी, और इस बार देखते हैं। और ये मुझे बैग की स्किन मिली है, देखते हैं ये परमानेंट है, इस पे टाइम लगा हुआ है, एक दिन बाकी है इसका, तो इसको डिसमेंटल कर लेते हैं। तो अगली वीडियो में इसके जितने भी आरपी मिशंस है वो देखते हैं, और वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।